उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बॉलीवुड की कई हस्तियों से मुलाकात की है, जिसमें सुनील शेट्टी, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम और बोनी कपूर समेत कई सेलेब्स मौजूद थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने फिल्म स्टार्स के साथ बातचीत की थी। इस दौरान सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि वो बॉलीवुड के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म करने में उनकी मदद करें। सुनील शेट्टी ने कहा कि बॉलीवुड में बॉयकॉट का टैग हटाया जाना बहुत जरूरी है, ताकि इसकी खराब हुई इमेज को सुधारा जा सके। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर निगेटिविटी की लहर देखने को मिल रही है। बीते 2-3 साल में इस लहर में न जाने कितनी ही हिंदी फिल्में बॉयकॉट की बलि चढ़ गईं और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गईं। साल 2022 में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से लेकर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, दोबारा और लाइगर जैसी फिल्में शामिल हैं। लोगों के अंदर बॉलीवुड के लोगों और हिंदी फिल्मों को लेकर इस कदर गुस्सा भरा हुआ है कि अब तो फिल्म का नाम सुनते ही लोग उसके खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड चला देते हैं। अब इस बॉयकॉट गैंग के निशाने पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान है, जिसके बेशरम रंग गाने पर विवाद छिड़ गया है। कुछ संगठन पठान से इस गाने को हटाने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी दे रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बेशरम रंग गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है, जो हिंदू धर्म का अपमान है और मेकर्स ने जानबूझकर ऐसा किया है। चलिए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड कब और कैसे शुरू हुआ। बॉलीवुड फिल्मों में बॉयकॉट ट्रेंड ने सबसे तगड़ा जोर पकड़ा हुआ है जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक्टर के फैंस ने मौत के लिए बॉलीवुड के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी गुस्सा निकाला। सुशांत की मौत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद स्थिति और भी विकराल रूप ले चली गई। नतीजा ये हुआ कि 2.5-3 साल से लोग बॉलीवुड के खिलाफ बॉयकॉट का झंडा लेकर खड़े हैं। बॉयकॉट के इस आग में अब तक बॉलीवुड का करोड़ों रुपया राख बन चुका है। फिल्म कहीं बॉयकॉट न हो जाए या पिट न जाए, इस डर की वजह से कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स तो अपनी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने लगे हैं। बॉलीवुड पर लगे बॉयकॉट कलंक को मिटाना जरूरी है, और इसी को देखते हुए सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से बात करते हुए कहा कि इस बॉयकॉट हैशटैग को हटाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन हम सभी ऐसे नहीं हैं। हमारी कहानियाँ और म्यूजिक हमें दुनिया से जोड़ता है, और इसलिए ये जो कलंक है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स नहीं लेता है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और अपना काम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बॉयकॉट ट्रेंड को हटाया जाए और बॉलीवुड की जो बिगड़ी हुई इमेज है उसे भी सुधारा जाए। टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब हो सकता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। कृपया इस संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पहुंचाई जाए। आपको बता दें कि एक्टर अक्षय कुमार ने भी 4 जनवरी को CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और बनने वाली फिल्म सिटी पर भी बातचीत की थी। मीटिंग के दौरान अक्षय ने योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि वो उनकी फिल्म राम सेतु जरूर देखें। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।